नमस्कार, एटन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। कल दशहरा है, जिसको अगर बात की जाए तो जम्मू में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और जम्मू की परेड ग्राउंड को हमेशा की तरह जो है इस साल भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो यहाँ पर फिट किए जा रहे हैं। और आपको हम बता दें कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है वो दशहरा को जो है वो बोला जाता है। और हमारे साथ कुछ कारीगर हैं जो कि काफ़ी मेहनत जो है इन पुतलों को बनाने में लगाते हैं। इनसे हम बात करते हैं। पहले आप मेरे को ये चीज़ बताइए, कितनी मेहनत रहती है इस पूरे पुतलों में बनाने की? ये तो पूरे पुतले में एक महीना हो गया बनाते बनाते, रात दिन मिल के बनाते हैं। ऐसे कुछ मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और एक महीना हो गया बनाते बनाते रावण कुंभकर्ण को। तो मेरे को ये चीज़ बताइए कि मतलब कितनी टीम है आपकी पूरा जो काम करती है? ये कोई 50-55 के लगभग है। 50-55 के लगभग है। तो इस बार पुतले कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह पर भेजे गए हैं? गांधीनगर, नवांशहर, सुंदरबनी, लेह, श्रीनगर, उधमपुर है, और ये परोड़ा है। सभी जगह पे गए हैं यहाँ से। तो अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, इतनी मेहनत के बाद आप ये पुतले बनाते हैं, जब इनको जला दिया जाता है तो कैसा लगता है आपको? भाई ये तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जम्मूवासियों का प्यार है, हर साल हमें बुलाते हैं दशहरे बनाने के लिए। मतलब इतनी मेहनत करते हो आप, उसके बाद एक तिल्ली के साथ सब कुछ राख हो जाता है? भाई ये तो मनोरंजन है एक, और एक है बुराई पे अच्छाई की जीत भी है दशहरा। जो लोग मतलब यहाँ पर कल आने वाले हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? भाई ये आए और दशहरा देखे खूब धूमधाम से। जी धूमधाम से। अच्छा, मेरे को ये चीज़ बताइए कि अभी तो चलो आपने ये कारीगर करते हो, आप ये दशहरे का काम करते हो, जब दशहरा नहीं होता उसके अलावा क्या करते हो? उसके बाद हम मिस्त्री का, लेबर का काम करते हैं, खेती बाड़ी है अपनी उधर घर ही। अच्छा, हाँ। तो मतलब एक महीने से आप जो है घर से बाहर? जम्मू वासियों का प्यार है, एक महीने के लिए इधर आ जानी, काम तो उधर बहुत है हमारा। अच्छा। तो मतलब ये आप हर साल आते हो यहाँ पर? हर साल आते हैं, जम्मू वासियों का प्यार है जो हम खींचे चले आते हैं वहाँ से। तो आपको हम बता दें कि कल दशहरा जो है वो जम्मू में मनाया जाएगा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जो है वो बनकर तैयार कर दिए गए हैं, बस इनको जो है वो सेट करना बाकी, यानी कि इनको खड़ा करना जो है वो बाकी है। और आपको हम बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी जो है परेड ग्राउंड में दशहरा जो है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अब इसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है और कौन चीफ गेस्ट होगा वो भी हम आपको जो है वो बताएंगे, और बात करेंगे जिन्होंने पूरा जो है वो अरेंज, श्री सनातन धर्म सभा के जो प्रेसिडेंट है पुरुषोत्तम जी वो हैं हमारे साथ। इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि कल रावण दहन की टाइमिंग जो है वो क्या रहने वाली है और कौन कौन जो है इस रावण दहन के प्रोग्राम में जो है वो आने वाला है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, कल का क्या प्रोसीजर रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत धन्यवाद आप लोग आए यहाँ पर समय निकाल कर। ऐसा है कि कल 4 बजे का समय दिया हमने समाज को, जो लोग प्रवेश करेंगे परेड ग्राउंड के अंदर, कि लगभग भगदड़ना मैच लिए 4 बजे तक आना शुरू करें। उस पर सूर्य अस्त से पूर्व इसका रावण का दहन होता है। तो इस कार्यक्रम में हमने प्रयास तो किया था कि कुछ और भी लोग आएँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय 1008 महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास जी का आशीर्वचन रहेगा, उनके साथ महंत सत्यनारायण दास जी इसमें रहेंगे, और जम्मू पूंछ लोकसभा के सांसद आदरणीय जुगल किशोर जी रहेंगे अतिथि के नाते। विशेष अतिथि हमारे श्रीमान राजेंद्र शर्मा जी, महापौर जम्मू महानगर निगम, वो रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारे सामाजिक विशेष विशिष्ट बंधु जो हैं वो रहेंगे। तो इस प्रकार के कार्यक्रम रहेगा परेड ग्राउंड के अंदर। सर, एक सवाल रहेगा आपसे, देखा जाता है कि आजकल जो परंपरा है रावण दहन की, वो जो पहले यूथ होता था, चंदा इकट्ठा करता था, रावण बनाने की प्रतिक्रिया को जो है वो शुरू किया जाता, लेकिन अब कहीं ना कहीं यूथ जो है अपने सनातन धर्म से जो है वो पीछे हट रहा है, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? अच्छा, ऐसा है, संभवतः आदित्य जी आपके ध्यान में ये संज्ञान में नहीं आया विषय, जब से ये नई टीम सनातन धर्म सभा की बनी है, हमने प्रयास किया है पूरे प्रांत के अंदर दशहरा का पर्व मनाया जाए, क्योंकि सनातन धर्म जो है वह चाहे देवयुग था, चाहे त्रेता युग था, चाहे द्वापर युग था, तो विकृतियों और बाधाओं में से आगे बढ़ा है। जैसे सतयुग में प्रहलाद थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप थे, तो वो कहते मेरा ही नाम जपो, और तो कोई अन्य था नहीं, तो उसी की संघर्ष में हिरण्यकश्यप को एक बहुत बड़ा बिजली का आग का खंभा जलाकर प्रहलाद को लिपटो, इससे वो लिपटे तो उसमें से नरसिंह अवतार प्रकट हुए, सनातन आगे बढ़ता है। ये विकृति बाधाएं रहती हैं। त्रेता युग आया तो भगवान राम को राज्य पाठ ग्रहण करने के बजाय 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ा, और फिर उस विकृति को जो लंका में थी रावण रूपी, वो कोई गैर सनातनी नहीं थी लेकिन विकृति थी, बाधा थी, फिर उसको नाश करना पड़ा। द्वापर आया तो भगवान कृष्ण ने मथुरा की जेल में जन्म लिया,
देवकी और नंद के उसके वासुदेव के घर वहाँ जेल में, परंतु लालन पालन के लिए सारा जीवन गोकुल में बिताया यशोदा और नंद के घर पर, क्यों? कंस रूपी विकृति का विनाश करने के लिए। तो ये सनातन धर्म विकृतियों और बाधाओं में से आगे बढ़ता है। आज भी विकृतियों और बाधाएं हैं जो सनातन को कोस रही हैं, सनातन को कहती हैं कुछ नहीं, सनातन तो आधी और अनंत है, उसका है ही नहीं आज सनातन। तो आज भी युवा लोग लगे हैं, आपकी जानकारी के लिए, केवल पिछले वर्ष प्रयास किया और अब भी तो जम्मू महानगर के अंदर 10 स्थानों पर दशहरा मनाया जा रहा है और युवा लगे हैं अपने अपने स्थान पर धन संग्रह कर रहे हैं, लगे हैं। चनौर के अंदर बहुत सुंदर ये स्वरूप बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बन रहे हैं, वहाँ पर त्रिकुटा नगर में, सैनिक कॉलोनी में, बख्शी नगर में, गांधी नगर में कई दिनों से जा, और पूरे प्रांत के अंदर लेह में, कारगिल में, कश्मीर के अंदर, पुंछ में तैयारी चल रही है जोर शोर से। अभी वहाँ के सनातन धर्मसभा के अध्यक्ष क्षेत्रपाल जी का सूचना आई थी, किश्तवाड़ के अंदर, ठाठरी के अंदर, तो पूरे प्रांत के अंदर ये पर्व मन रहा है, नौजवान लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और बड़ा स्वरूप ये हुआ कि हमने आह्वान किया था कि लीलाओं का मंचन अधिक किया जाए, और आपकी जानकारी के लिए मेरे हिसाब से कोई तहसील केंद्र ऐसा नहीं है जहाँ रामलीला नहीं हो रही है। युवा जुड़ते हैं उनके साथ एक विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और जो 9-10 दिन अथक प्रयास करके, कंठस्थ करके रामायण की चौपाइयाँ मंच पर आता है, स्वाभाविक रूप से वो उन 9-10 दिनों तो कम से कम सब व्यसनों से दूर रहता है। कई बार उसी घटनाक्रम में झटका लगता है, व्यक्ति नशों से दूर रहता है, बुरी आदतों से दूर रहता है। तो प्रयास चल रहा है, आप लोगों के कारण उसका प्रचार भी ठीक से हो रहा है। इस प्रकार मेरे तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने बताया कि कल की टाइमिंग जो है वो क्या रहने वाली है और कौन कौन जो है इस दशहरा दहन में जो है वो आने वाला है। जुगल किशोर MP जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और मेयर जम्मू के हरजिंदर शर्मा जी वो भी आ रहे हैं, उनके साथ साथ कई ऐसे राजनेता और सोशल वर्कर जो हैं वो भी इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल होंगे। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक ले बने रहे आप 8N News के साथ।